कई दिन बाद आप सभी के बीच आया हूं, लेकिन इस बार खुशखबरी के साथ नहीं बल्कि एक शॉकिंग बैड न्यूज़ के साथ। एक नहीं दो BSNL कंपनी की ओर से। BSNL अगर आप यूज़ करते हैं तो गौर से सुनिए, ये दोनों ही न्यूज़ आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि BSNL छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। फटाक से इस छोटी सी वीडियो में BSNL की दोनों शॉकिंग खबरें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नए वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। BSNL ने दो न्यूज़ दी हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, और ये दोनों ही न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली न्यूज़ आप सबको बता देता हूं, BSNL ने ये ऐलान किया है साफ तौर पे कि 1st of November 2022 यानी कि आज से 4 दिन पहले के बाद से कभी भी आपको FUP खत्म होने के बाद 80 kbps की स्पीड नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपका 1.5 GB का प्लान था तो 1.5 GB आपने ख़त्म कर लिया तो उसके बाद 80 kbps की स्पीड नहीं मिलेगी बल्कि 40 kbps मिलेगी। और सारे प्रीपेड प्लान्स में ये लागू कर दिया गया है कि जो स्पीड 80 kbps की थी वो अब घट के 40 kbps की होगी और आपको आधी स्पीड देखने को मिलेगी। तो पहले जहां आप व्हाट्सएप पे फोटोज़ भेज पाते थे, अब वो बस लोड होगा डेटा ख़त्म होने के बाद, शायद मैसेजेस भी भेजा जाए मुश्किल से। पहले FB लाइट चल जाता था, अब FB लाइट चलने में भी दिक्कतें होंगी। आप कमेंट करके इस पर अपना ओपिनियन बताइएगा। मुझे तो बहुत आहत पहुंची क्योंकि बाकी सारी कंपनी 64 kbps देती हैं, अब BSNL उनसे भी कम कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की। तो BSNL ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 4G लॉन्च होने में थोड़ा और डिले है। अभी तक टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ही कहा था कि 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते थे हम लोग BSNL का 4G, लेकिन 15 अगस्त कब का बीत गया, BSNL 4G लॉन्च हुआ नहीं। तो ट्वीट आया है कि BSNL 4G लॉन्च डेट बताना भी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च फरवरी 2023 के बीच इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मतलब कि इंस्टॉलेशन शुरू होने में भी अभी 4 महीने हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग ऐसे करते करते 2023 भी बिता देंगे और BSNL 4G भी नहीं लॉन्च कर पाएगा। जहां बाकी सारी कंपनीज 5G देना शुरू कर चुकी हैं, अभी BSNL 4G के लिए भी वेट कर रहा है। ट्वीट में ये भी मेंशन है कि सरकार के इंडिजीनियस रिवाइवल पैकेज में इनको लाइसेंस मिल चुका है 4G का बिना ऑक्शन के, बिना पैसे के, फिर भी ये लोग नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। गलती निकाली जाए तो किसकी निकाली जाए। आप BSNL को बेच देना चाहिए सरकार को, इस पर अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट्स में, हाँ या फिर ना। अभी के लिए इस फ्रॉम इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।